फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पिंड खजूर के लड्डू बनाने की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी बन जाते हैं ये लड्डू, तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। तो मैंने लिए हैं करीब 500 ग्राम के करीब पिंड खजूर, और उन्हें मैंने छील लिया है इस तरह से, और बिल्कुल मुलायम वो उनके बीज हटा दिए हैं। और अब मैं इन्हें मिक्सी में अच्छी तरह से चला लूँगी। इसे चलाना 3-4 बार चलाना पड़ेगा जब इसका महीन पेस्ट तैयार होगा। उसके साथ ही इसमें कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे कि ये मिल्क पाउडर लिया है, और 2 कप करीब लगेगा नारियल बुरादा, खसखस लगेगी कुछ, तो आधा कटोरी के करीब ली है मैंने, और ये 2 फूड कलर ग्रीन और रेड, इनकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। घी ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच में ही काम हो जाएगा। थोड़ी देर ये चिपकेगा लेकिन बाद में ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, और थोड़ा टाइम लगेगा इसे भुनने में। बिल्कुल हमें स्लो गैस में इसे भूनना है, और ये मैंने 2 बार लिया है लेकिन ये 1 ही चम्मच है, और इसे बहुत अच्छी तरह से हम भुनेंगे। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो बिल्कुल आराम से हमसे बन जाएंगी ये लड्डू, इसलिए मैंने इस तरह की रेसिपी इस बार राखी के लिए सिलेक्ट करी है। और वैसे ये लड्डू मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन तब आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं करे थे। एंड इसके साथ ही मैंने इसमें काजू भी लिए हैं, जो कि शायद मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो काजू भी इसमें डालना है। काजू, बादाम और भी जो हम ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने इसमें काजू भर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये मिल्क पाउडर, और अभी ये थोड़ा चिपक रहा है मगर अभी ठीक हो जाएगा। तो इसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है मिल्क पाउडर, और यदि हमें और लेना है तो हम और भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, और अभी थोड़ा सा लग रहा है आपको कि ये चिपक रहा है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये कोकोनट बूरा, तो अभी हमने डाला है इसमें 1 कटोरी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखेंगे कि इसमें और कितना लगेगा। तो 1 से 2 कटोरी के करीब लग जाता है, 2 से 3 भी हो जाता है कभी कभी, तो अभी देख रहे हैं हम। एंड अब हम 1 कटोरी के करीब और डाल लेंगे कोकोनट बूरा, और वैसे ही हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, तो इसे हाथों से ही मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये ठंडा भी हो गया है, गर्म नहीं है, तो ये हाथों से बहुत अच्छे से हम इसे मिला सकते हैं। इसके बाद हम इसे आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे अलग अलग। और एक थोड़ा सा कम रखेंगे, एक थोड़ा सा ज़्यादा, तो
इस कम वाले में अब हमें फूड कलर ऐड करना है और आधा कटोरी के करीब जो कोकोनट बुरादा है वो ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखेंगे, जो कम वाला है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे कोकोनट बुरादा। और फूड कलर पहले मिलाएंगे हम इसमें डालेंगे रेड कलर, कटे हुए जो काजू रखे हैं वो, और थोड़ा थोड़ा करके इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसमें पूरे काजू लग जाएंगे, बादाम डालना चाहें तो बादाम, अखरोट भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ काजू का यूज़ किया है। और पूरे काजू इसमें डाल लेंगे। अब जो सेकंड मिक्सचर है मैंने उसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया है और रेड वाले की गोल गोल बॉल्स मैंने बना ली हैं छोटी छोटी, और ग्रीन कलर वाले को भी हमें छोटे छोटे पीस में तोड़ना है और इन्हें हाथों से ही दबाना है, एक पुड़ी का सेप देना है छोटी सी। और इनमें भी यदि हम चाहें अंदर तो पोपी सीड डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, मैंने सिर्फ नारियल बुरादा डाला है। तो पोपी सीड का बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये अंदर भी रहती है तो इस तरह से इनकी बॉल्स हम बनाते जाएंगे और इन्हें कवर करते जाएंगे रेड बॉल को ग्रीन से। अब सारी बॉल्स बन गई हैं, अब हम खसखस को एक बर्तन में ले लेंगे किसी बड़े बॉल में, और उसके बाद इन बॉल्स को अच्छी तरह से हम खसखस से कवर करेंगे और बाकी का झड़ा देंगे तो वो जितना उसमें चिपकना है वो सारी चिपक जाएंगी, और थोड़ा सा इन्हें हाथों की सहायता से दबाते जाएंगे तो वो अच्छी तरह से इसमें कवर हो जाएंगी। और इन्हें बनाने के बाद हमें इन्हें फ्रिज में रखना है, तो 3-4 घंटे जब ये फ्रिज में रहेंगी तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। तो सारी बॉल्स मेरे कवर कर दी हैं और अब मैं इन्हें थोड़ी देर रखूँगी फ्रिज में करीब 3-4 घंटे के लिए। तो अब इन्हें मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और अब अच्छी तरह से ये सेट हो गई हैं। अब इनके मैं पीस कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारे पीस कर लिए हैं बीच से और ये इस तरह से बनके तैयार हुई हैं।